हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी फॉर यू बाय अनुभा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो है खाखरा। सो खाखरा फ्रेंड्स इज़ अ गुजराती डिश जो कि आटे से और दाल और ऑयल से बनता है और जिसको हम बहुत ही पतला बेलकर अच्छे से तवे पे सेकते हैं जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 कप पानी, नॉर्मल वाटर लिया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सेंधा नमक। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। मिक्स करने के बाद इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। अब जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। और क्योंकि ये मिलेट रेसिपी है इसीलिए इसमें हम डालेंगे 1 कप ज्वार का आटा। तो ये ज्वार आटा सॉर्गम फ्लावर मैंने डाल दिया है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरा जो फ्लावर है वाटर में एब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर कवर करके किसी चीज़ से 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही पैन में छोड़ देंगे। फ्लेम ऑलरेडी ऑफ है। 5 मिनट्स के बाद जो चिपक गया था पैन में ये अब आटा हट जाएगा। साइड से आप इसको स्क्रेप आउट करके और दूसरे बोल में निकाल लीजिए। अब इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून कैरम सीड्स या अजवाइन। उसके बाद फ्लेवर के लिए इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून ड्राइड फेन्यूग्रीक लीव या जिसको हम कसूरी मेथी भी बोलते हैं। तो ये मिलाने के बाद इसको नीट करना है। अच्छे से प्रेशर दे के आपको नीट करना है ताकि ये डो बन जाए इस तरह से, जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही इसको नीट करना है। इस तरह से रोलिंग बोर्ड पे आप इसको प्रेशर देते हुए अच्छे से नीट करिए। अब जब ये डो बन जाएगा तो इसको हमें 10-15 मिनट के लिए और ढककर रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसकी चपाती बनाएंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथली बनेगी चपाती। अदरवाइज़ क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री फ्लावर है, ज्वार का आटा है, तो आपको चपाती बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस तरह से जैसे हम नॉर्मली चपाती को रोल आउट करते हैं, हमें आटे की लोई लेकर इसको रोल करना है इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा ज्वार का आटा डस्टिंग के लिए यूज़ करिए ताकि आप इजीली उसको रोल कर पाएं। तो थोड़ा केयरफुली उसको मूव करना है बिकॉज जैसा मैंने बताया क्रम्बली होगा मिक्सचर, ज्वार का आटा है, तो जो भी बीच बीच में आपके जैसे इस तरह से क्रैक्स आ रहे हैं तो उनको आप पैचअप करते चलिए। क्योंकि खाखरा जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो हम कोई भी ढक्कन या किसी भी चीज़ से उसको शेप आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक के बॉक्स का लिड है जिससे मैंने इसको सर्कुलर काट लिया है और इसको हाथ में धीरे से लेकर मैं तवे पर डालूँगी। तवा मैंने पहले से ही रखा हुआ है लो फ्लेम पर। ये मैंने तवे पे इसको केयरफुली डाल दिया है ताकि ये टूटे ना। अब हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको प्रेशर देकर किसी कपड़े से, स्पैचुला से या जो खाखरा बनाने के लिए टूल्स आते हैं वो यूज़ करके हमें इसको प्रेस करते हुए सेकना है, लाइक दिस। अब
अपसाइड डाउन करने के बाद भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इनिशियली, ताकि वो टूटे ना। अब जब वो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक जाएगा, तो मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल इसमें स्प्रिंकल किया है, और जो कि मैंने स्पून की हेल्प से पूरा स्प्रेड कर दिया है इस पर। तो दोनों साइड्स ऑलिव ऑयल लगाने के बाद अब स्पैचुला से साइड्स को प्रेस करते हुए हमें इसको सेकना है इस तरह से। तो अब जो आप प्रेशर दोगे वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें अच्छे से इसको साइड्स से भी प्रेस करना है और बीच में से भी, क्योंकि जो खाखड़ा होता है इट इज़ जस्ट लाइक अ क्रैकर, पापड़ के जैसा होता है। तो वो पूरा अच्छे से प्रेस नहीं होगा तो वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ग्लूटेन फ्री, ऑयल फ्री खाखरा, जो कि बहुत ही हेल्दी और यमी है, बिल्कुल रेडी है। आप इसको चटनी छाछ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, आप इसको चाय के साथ इवनिंग स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर।